हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 करते हैं, क्लास 10 साइंस एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 1, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि मेटल को पीट के उनसे शीट बनाई जा सकती है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हार्डनेस, नहीं बोलेंगे, डक्टिलिटी से तार बनती है, ठीक है, इसको खींचे, ठीक है। और मेलिबिलिटी, इसका आंसर होगा सी। मेलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसकी? मेटल की, जिसको पीट के क्या करे, एक शीट बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू लॉन्ग वायर, नेम द प्रॉपर्टी। मेटल को खींच के एक लंबी तार बनाई जा सकती है, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? मेलिबिलिटी, शीट बनती है, हार्डनेस, नहीं, ठीक है, डक्टिलिटी, ठीक है, इसका आंसर होगा सी, डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन मेटल स्ट्राइक ऑन सम हार्ड सरफेस ए साउंड प्रोड्यूस, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि अब जब हम किसी मेटल को किसी हार्ड सरफेस पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसमें से क्या होती है, एक एक साउंड प्रोड्यूस होती है। मींस जैसे कोई हमारी स्कूल के अंदर बेल है आयरन की, और उस पर क्या करते हैं हम किसी दूसरे मेटल से या किसी वुड से उसको क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसमें क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उस प्रॉपर्टी को पूछ रहा है, हार्डनेस नहीं, डक्टिलिटी भी नहीं, सोनोरस, ठीक है, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रोमीन इज नॉन मेटल विच इज इन, ठीक है, कह रहा है कि ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, वो किस उसके अंदर पाएगा, स्टेट के अंदर पाएगा, ठीक है, वो पाएगा लिक्विड, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव, इन मेटल में से कौन सा हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज की, तो उसके अंदर सोडियम और पोटासियम क्या होता है, वेरी रिएक्टिव सीरीज के अंदर आते हैं, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेटल इज लिक्विड ऑन रूम टेम्परेचर, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है। मेनली सारे मेटल क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मरकरी है HG, वो क्या कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेटल डू नॉट रिएक्ट इन कोल्ड और हॉट वाटर, ठीक है, ये कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे मेटल है जो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आपका आयरन, ठीक है, बट एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, अगर आपको ये तीन ऑप्शन मिले, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, तो ये तीनों मेटल ऐसे होते हैं जो कभी भी कोल्ड और हॉट वाटर के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डी, अगर आपसे पूछा जाए टोटल कौन कौन से है, तो आप बताओगे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच नॉन मेटल हैज लस्टर, कौन से नॉन मेटल के अंदर क्या होती है, चमक होती है, सल्फर के अंदर भी नहीं, ऑक्सीजन के अंदर भी नहीं, नाइट्रोजन के अंदर भी नहीं, आयोडीन, ठीक है, डी, आयोडीन, आयोडीन के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच मेटीरियल इज यूज टू कवर द इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वायर है, इसको कौन से मेटल से कवर करते हैं, ठीक है, तो आंसर होगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच मेटल आर फाउंड इन नेटिव स्टेट इन नेचर, ठीक है, ये कह रहा कि कौन से ऐसे मेटल है इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो फ्री स्टेट के अंदर मिलते हैं, फ्री स्टेट के अंदर वो मेटल मिलेंगे जो क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन और एयर के साथ, ठीक है, और मॉइस्चर और वाटर के साथ रिएक्शन ना करें, मींस अनरिएक्टिव हो नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉपर नहीं, जिंक भी नहीं, दोनों, गोल्ड और सिल्वर, इसका आंसर होगा बोथ ए और बी नहीं, ठीक है, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, ए बी भी नहीं, इसका आंसर होगा सी, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन, ये कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन एक क्या होता है, कोरिजन को प्रोटेक्ट करने का एक मेथड होता है, ठीक है, इसमें कौन सा मेटल यूज किया जाता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जिंक की कोटिंग, जिंक को यूज किया जाता है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा जिंक, ठीक है, जिंक को यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन 12, विच मेटल इज फाउंड इन अमालगम, ठीक है, कौन सा मेटल हमेशा अमालगम, ठीक है, में मिलेगा, हमेशा मरकरी मिलता है, मरकरी, पारा, HG। क्वेश्चन नंबर 19, इन एनोडिक
डाइंग फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ, ठीक है, एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। इसमें क्या रखी, एक मोटी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो क्या रखी, किसकी जो ये मोटी ऑक्साइड की लेयर बनेगी उसके अंदर कौन सा मेटल होगा, तो उसका आंसर होगा डी, एल्यूमिनियम होगा। कौन सा होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन दी गई है उसके अंदर आपको ये बताना है किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन यहाँ पे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रिडक्शन क्या होता है उसको देखो पहले, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन क्या करे, लॉस कर दे, या हाइड्रोजन को गेन कर दे, उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन को ऐड करे या हाइड्रोजन को लॉस करे। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड से क्या बन रहा है, आयरन बन रहा है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड से क्या हो रहा है, आयरन बन रहा है, मींस यहाँ पे इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, और ऑक्सीजन लॉस किसके अंदर होता है, रिडक्शन के अंदर होता है। रिडक्शन के अंदर या तो ऑक्सीजन लॉस हो या हाइड्रोजन का गेन हो, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का हो रहा है, ठीक है, या फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, आपको 1, 2, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना कि कौन सा इनमें से नेचुरल सब्सटेंस है जो काफी हार्डेस्ट होता है। ग्रेफाइट नहीं, ना कॉपर, ना आयरन, ठीक है, इसका आंसर होगा डायमंड। 16, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कह रहा है कि कार्बन का कौन सा ऐसा एलोट्रोप है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है, या कौन सा ऐसा एलोट्रोप है जो कंडक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। कोक भी नहीं, डायमंड भी नहीं, ग्रेफाइट, ठीक है, इसका आंसर होगा सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 17, सीनाबार इज एन ओर ऑफ, ठीक है, सीनाबार किसका ओर है, मरकरी का, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 18, द रिएक्शन यूज टू ज्वाइंट रेलवे ट्रैक इज, ठीक है, जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनको जोड़ने के लिए एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का क्या नाम है, कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन नहीं, इसके अंदर क्या होता है, रिमूवल होता है वाटर का, हाइड्रोजनेशन ये भी नहीं है, इससे क्या होता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट बनाया जाता है, थर्मिट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सी थर्मिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द कर्ड मेटल इज कॉल्ड, ठीक है, ये कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें से क्या करना है, हमें प्यूरिफाई करना है किसको, कर्ड मेटल को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग, क्या बोलते हैं, सी रिफाइनिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, इजिली एंड प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड, ठीक है, द मिनरल, ठीक है, वो मिनरल जिससे मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सके और उससे प्रॉफिट भी हो, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ओर, ठीक है, उसको बोलते हैं ओर। गैंग होते हैं अनवांटेड, जो आपके अनवांटेड जैसे सैंड और दूसरे पार्टिकल, ठीक है, और मेटलॉइड होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, हीटिंग सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कॉल्ड, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, बहुत ज्यादा एयर दी जाती है, उस प्रोसेस को वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टिंग, क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। अगर क्वेश्चन आए कौन से प्रोसेस के अंदर, ठीक है, सल्फाइड ओर, ठीक है, को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या होगा, रोस्टिंग। या कई बार क्वेश्चन आता है रोस्टिंग के अंदर कौन से ओर को हीट किया जाता है, तो आंसर होगा सल्फाइड ओर। ऐसे ही 22, हीटिंग कार्बोनेट और इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग एयर इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि जो कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे या तो बिना एयर के या लिमिट अमाउंट होगी किसकी, एयर की, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कैल्सिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज, ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उसके अंदर एक प्रोसेस यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर देखो, हम कॉपर, जिंक, टीन, निकल,
सिल्वर और गोल्ड इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है ठीक है इन मेटल के लिए किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगर कोई क्वेश्चन आए ठीक है आपको ऑप्शन मिले ये और आपसे पूछे कौन सा मेथड यूज होता है तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है अब ये कह रहा कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर इम्प्योर मेटल और एक प्योर मेटल माना जाता है तो इम्प्योर मेटल को कौन सा पोल माना जाएगा तो आंसर होगा एनोड। ठीक है एनोड को माना जाता है ठीक है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 सेम क्वेश्चन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब कह रहा है कि इम्प्योर मेटल को तो एनोड मान लिया और जो प्योर मेटल होगा उसको क्या मानेंगे कौन सा पोल मानेंगे ठीक है उसको मानेंगे कैथोड। ठीक है आंसर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 एलॉय। एलॉय क्या होता है मेटल और मेटल ठीक है दो मेटल या दो से अधिक मेटल को मिलाने से ठीक है जो बनता है उसको एलॉय कहते हैं। ठीक है अब ये कह रहा है कि जो ब्रास है वो किस का एलॉय है ब्रास जो बनता है उसके अंदर कौन कौन से मेटल मिलेंगे। ठीक है कॉपर एल्यूमिनियम भी नहीं जिंक एल्यूमिनियम भी नहीं कॉपर और जिंक दोनों होंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है उसके बाद ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है किसका कॉपर एल्यूमिनियम नहीं कॉपर और आयरन भी नहीं कॉपर और टीन इसका आंसर होगा सी। ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड स्टेट बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ पे हर साल क्वेश्चन आते हैं। सोल्डर इज एन एलॉय। सोल्डर एक एलॉय है किसका लेड और एल्यूमिनियम का नहीं लेड और कॉपर का भी नहीं ठीक है लेड और आयरन का भी नहीं ये होगा लेड और टीन का। ठीक है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 विच मेटल इज स्टोर इन केरोसिन ऑयल। ठीक है कौन से ऐसे मेटल होते हैं जिनको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं मींस काफी रिएक्टिव होंगे तभी उनको क्या करना पड़ता है केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। ठीक है सोडियम भी रिएक्टिव है लिथियम भी पोटासियम भी तो इसका ऑप्शन होगा डी सभी ये सभी जो तीनों मेटल है इनको क्या करना पड़ेगा हमें केरोसिन ऑयल के साथ रिएक्शन से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टोर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 द मेटल्स विच कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है इनमें से आपको उन मेटल के नाम बताने जिनको हम एक जो चाकू होता है उससे काट सकते हैं सोडियम भी कट सकता है और पोटासियम भी इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड। मेटलॉइड हमने बताया था जो मेटल की तरह भी काम करे और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करे। ठीक है तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम मेटल ठीक है नॉन मेटल मेटल सिलिकॉन ये क्या होता है मेटलॉइड काम करता है दोनों मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है तो इसका आंसर होगा डी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 एक्वारिजा इसको रॉयल वाटर बोलते हैं ये मिक्सर है किसका कंसंट्रेटेड एसिड है इसके अंदर दो कितने रेशियो के अंदर होगा। ठीक है दो एसिड का मिक्सर है और दोनों कैसे कंसंट्रेटेड एसिड है आपसे पूछ रहा कितने रेशियो के अंदर होगा 3:1 HCl और सल्फ्यूरिक एसिड ये तो होता ही नहीं। ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड और HCl नहीं होता है HCl और नाइट्रिक एसिड होगा। ठीक है HCl 3:1 में बट नाइट्रिक एसिड होगा 1:1 में तो इसका आंसर होगा सी 3:1 में HCl और HNO3 कितना होगा 3:1 सी आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 33 द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर जनरली ये कह रहा है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो कैसे होते हैं एसिडिक नेचर होते हैं कैसे होते हैं एसिडिक नेचर आंसर बी। उसके बाद कह रहा है कि जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के वो कैसे होते हैं ये होते हैं बेसिक। ठीक है कैसे होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन 35 मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड। कुछ मेटल के ऐसे ऑक्साइड होते हैं ठीक है जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है वो किसकी तरह काम करते हैं वो रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं एम्पोटेरिक ऑक्साइड सी। ठीक है एम्पोटेरिक ऑक्साइड इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये आते हैं। ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का कॉपर नहीं गोल्ड भी नहीं एल्यूमिनियम भी नहीं सिल्वर। ठीक है
डी। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, मेटल विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कौन से मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे मेल्ट हो जाए, गैलियम भी होता है और सीजियम, ठीक है, दोनों होते हैं, इनका इतना लो टेम्परेचर होता है अगर हम इनको अपनी हथौली पे रखें, ठीक है, तो हथौली पे रखने के बाद तुरंत ही क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, जैसे हम अपने पाम पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, मेटल विच हैव पुरेस्ट कंडक्ट ऑफ हीट, मतलब कौन सा ऐसा मेटल है जिसके अंदर बिल्कुल भी हीट पास नहीं होती है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोल्ड भी नहीं, सिल्वर भी नहीं, कॉपर भी नहीं, लेड, ठीक है, आंसर होगा लेड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, एलिमेंट दिए गए हैं उनका एटॉमिक नंबर और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके जो सेल होती है KLMN उनके अंदर बताने कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है, बात करते हैं हीलियम एटॉमिक नंबर 2, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, के अंदर 2, ठीक है, नियोन, नियोन का होता है 10, तो कैसे होगा इसका 2 8, ठीक है, 2 K में और 8 किसमें, एल में, ये नोबल गैसेस हैं क्योंकि इनका आउटर ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2 8 1, उसके बाद मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 2 8 2, ठीक है, एल्यूमिनियम 13, 2 8 3, आउटर मोस्ट इनकी एम सेल होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद पोटासियम, ठीक है, पोटासियम होता है 19, ठीक है, पोटासियम होता है 19, ठीक है, 2 8 8 1 एन के अंदर बनाएगा। कैल्शियम होता है 20, 2 8 8 2, फास्फोरस होता है 15, 2 8 5, उसके बाद क्लोरीन होता है 17, 2 8 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, रिएक्टिविटी सीरीज आपको बतानी है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे ऊपर होगा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, और जैसे ही हम आपसे नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करें इसकी, ऊपर पोटासियम सबसे, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, ये जो यहाँ पे है ये लीस्ट रिएक्टिव है, नेटिव स्टेट के अंदर मिलते हैं, मतलब फ्री स्टेट के अंदर मिलती है नेचर के अंदर, बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड मॉइस्चर, ठीक है, तो ये फ्री स्टेट के अंदर मिलते हैं, इसलिए क्या है, लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से, ठीक है। जितना हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो मेटल की सीक्वेंस दी गई है ये क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी सी, इनकी अगर हम सीरीज के अंदर देखें और इनके रिएक्शन की बात करें तो कम रिएक्शन होंगे, मींस रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी जब हम पोटासियम से कहां पे आएंगे, गोल्ड की तरफ आएंगे, ओके, ये है रिएक्टिविटी सीरीज।